दिस इज लीजा फ्रॉम साइबेरिया। अब आपको मैं फलों और सब्जियों के रेट बताता हूँ। पाकिस्तान में भी हुए थे एक बार, बहुत महंगे हुए थे। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू रशिया। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू रशिया। हाँ, तो यहाँ मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एक सुपरमार्केट मिल गई और सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ मैं सुपरमार्केट। तो ये वीडियो मैं एक हिसाब से अलग से डालूँगा, और ये वीडियो इसलिए डालूँगा आपको बताऊँगा इस वीडियो में रसिया कितना महंगा है, रसिया कितना एक्सपेंसिव है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो प्रतिदिन यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, उनके क्या रेट हैं। सुपरमार्केट में आपको सब मिल जाएगा, आपको मैं खाने पीने की चीज़ें सब दिखाऊँगा अभी और आपको रेट भी बताऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ। एक रशियन रूबल 1 रुपए के बराबर है। वीडियो में अगर मैं बोलूँ 100 रूबल तो समझ जाना कि 100 रुपए हैं। और सुपरमार्केट में मास्क पहना जरूरी है, पर लोग यहाँ नहीं पहने हुए। पर जैसा कि उस लड़की ने मुझे बताया, लीजा नाम की लड़की हुई, इसने मुझे बताया, दिस इज लीजा फ्रॉम साइबेरिया एंड ओके मिल्क। अभी मैं सबसे पहले मिल्क लूँगा और उसके बाद ब्रेड, आपको रेट भी पता लग जाएगा साथ ही साथ, मिल्क और ब्रेड के क्या रेट हैं। ये देखो, रसिया में स्टोर में दारू मिलती है, दारू। इसके लिए आपको अलग से ठेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टोर में आपको दारू मिल जाएगी। मेरी बात सुनो, ऐसा डब्बे वाला मिल्क कभी भी मत लेना, क्योंकि जो कागज़ वाला डिब्बा वो मत लेना, बोतल वाला लेना, बोतल वाला मिल्क फ्रेश होता है। हाँ, ये है पूरा मिल्क का काउंटर। और ये देखो, इसने मेरे लिए अपने आप मिल्क उठा के डाल लिया। और इज इट सिंपल मिल्क। सिंपल, आई डोंट वांट एनी फ्लेवर, आई वांट सिंपल मिल्क। इट्स सिंपल, I cannot understand the Russian language without any flavor. Just wait. I want simple milk without any flavor. I hope you will understand. Understand? This is just milk, yes. Okay, ये खाली milk है, इसमें कोई flavor नहीं है. Okay? What? I understand. Let's go. Where is yogurt? I'm only telling price of yogurt, okay? I'm not buying, yeah. Because I'm comparing India to Russia. Okay. Prices of, okay? So can you tell me that? This is yogurt? No. It's not yogurt? Yogurt. How much gram? How much? Oh, 120 gram yogurt, aapko 41 rupees ka milega. Yogurt kafi mehenga hai, bhai. Yeah, one for me, this for me, this is for me. You want? Yeah, I want. This is for me. Take one more. Okay. How much for this? How much? 35. ब्रेड का पैकेट 35 रूबल का है और ये सबसे सस्ता मिला मुझे अभी तक। ये सुपरमार्केट काफ़ी बड़ी है और मुझे सस्ती लग रही है। ये बिस्किट है भाई, इसने एक बिस्किट लिया है 53 उसका। ये आई थिंक दिस इज द चीपेस्ट वन विद मोर क्वांटिटी विद मोर वेट। ये बोल रही है मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और चलो अब आपको मैं वेजिटेबल दिखाता हूँ। व्हाट इज दिस? हेलो, व्हाट इज क्लो? इट्स फ्लोर, व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा है। और करीबन 1 किलो गेहूँ का आटा आपको मिलेगा 60 रूबल में। आपको 2 लीटर पानी की बोतल मिलेगी 61 रूबल में। ये देखो 2 लीटर की है और 61 रूबल में आपको मिलेगी ये। लीजा, दिस इज व्हीट, आई थिंक यस इट्स व्हीट। ये देखो भाई, ये क्या मिल गया मुझे,
गेहूं का ज्वारा है, गेहूं के ज्वारे का जूस बना के बुलाते हैं यहाँ पे। अब आपको मैं फलों और सब्जियों के रेट बताता हूँ। ये सेब है, एक किलो सेब 99 रुपये के। ये ग्रीन एप्पल ये 90 के, और ये फिर 90 रुपये के एक किलो सेब हैं, और ये 90 रुपये के। सेब की क्वालिटी बहुत है भाई। और ये सेब 150 रुपये किलो, मतलब मुझे पहला ऐसा ये माल मिला जिसमें सेब इतने सस्ते हैं, वरना सेब के रेट 200-250। ये खीरे हैं 160 रुपये के एक किलो, और ये जो दूसरे वाले खीरे हैं ये 120 रुपये के एक किलो। ये 56 कद्दू लंबे वाला 200 रुपये किलो। ओके, ये खीरों की क्वालिटी भाई। अब आपको हैरानियों की टमाटर 250 रुपये किलो, पाकिस्तान में भी हुए थे एक बार, बहुत महंगे हो गए थे। ये 140 रुपये किलो टमाटर हैं। अच्छा, ये वनस्पति आपको मिलेंगी 220 रुपये एक किलो, मिलेंगे आपको 230 रुपये की वनस्पति। लहसुन मिलेगा आपको 339 रुपये का एक किलो। ये लहसुन भी अलग है थोड़ा सा। और ये फिर शिमला मिर्च मिलेगी आपको 290 रुपये किलो, और ये पता नहीं क्या सिस्टम है। ये देखो, ये सेब 350 रुपये किलो भी हैं। संतरे आपको मिलेंगे 300 रुपये किलो। ये अंगूर मिलेंगे आपको 130 रुपये किलो अंगूर। और अपना नंबर आ गया भाई, अपना बिल करवाने का नंबर, और अब बताऊंगा आपको कितने का हिसाब किताब बैठता है। दूध है, ब्रेड है, सेब है, एक वनस्पति है, और काले अंगूर है। हाउ मच पर बैग? बैग के लिए अलग से पैसे लगेंगे आपको 6 रूबल, क्योंकि मेरा जो ये बैकपैक है पहले ही फुल भरा हुआ है। और 335 335 रूबल का सारा सामान ले लिया मैंने। ये सबसे सस्ती सुपरमार्केट है आज तक की। मैंने सिंपल मिल्क 150 रूबल का भी लिया है भाई एक किलो, और फ्रूटों की तो पूछो मत। इस मार्केट में मुझे फ्रूट सस्ते मिले तो मैंने बाई कर लिए। रेट का दुगुना फर्क है और सुपरमार्केट से, और इसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आके। और लीजा ने मुझे गाइड किया, कहाँ गई वो, ये आ गई लीजा, और ये रहा मैं। लेट्स गो, इसको आप धन्यवाद बोलते हैं और चलते हैं। थैंक यू सो मच, यू आर वेरी हेल्पिंग गर्ल इन रशियन स्पासीवा। एंड ओके, एंड थैंक यू सो मच।